मोदी सरकार आम लोगों को एक और बड़ी राहत देने जा रही है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने का रोड मैप तैयार कर रही है। पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पे लोगों को आजादी मिलेगी। जीएसटी के लागू होने पर पेट्रोल और डीजल से वैट और एक्साइज ड्यूटी समाप्त हो जाएंगी। केवल 12% जीएसटी लगेगा। डीलर कमीशन लगाने के बाद ही राजधानी दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 38 रुपए होगी। यही नहीं, पेट्रोल पर जीएसटी 18% भी कर दिया जाए तो ये कीमत 40 रुपए के करीब होगी। जीएसटी के अधिकतम स्लैब 28% को यदि पेट्रोल पर लागू किया जाए तब भी कीमत 44 रुपए के करीब होगी, जो मौजूदा रेट से बहुत कम होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की माने तो मोदी सरकार दिवाली तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर आम लोगों को दिवाली का बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है।